दोस्तों यहाँ पर आके दिल गार्डन गार्डन हो गया है, बहुत ही मजा आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं बड़े नेचर जगह यार, यहाँ पर हिरन देखने को मिलेगा दोस्तों, का नाम देगा ना आपको दोस्तों मैं अभी पहुंच चुका हूं लामनी पार्क में, आप देख सकते हो लामनी पार्क के बाहर गेट पे हूं। दोस्तों यहां पर लिखा गया है जैव विविधता संरक्षण विकास एवं शिक्षण केंद्र बस्तर, बहुत ही खूबसूरत से गेट को सजाया गया है। दोस्तों यहां पर टिकट लेने के बाद अंदर की ओर जाएंगे, यहां आप देखिए गेट में सुस्वागतम लिखा है। दोस्तों लामनी पार्क के अंदर में बहुत ही घना जंगल है और यहाँ पर पाइन के वृक्ष बहुत ज़्यादा है, तो आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सा माहौल। तो आइए चलते हैं अंदर की ओर। ये देखिए है ना, वाकई में बहुत खूबसूरत। दोस्तों देखिए बढ़िया नज़र आ रहा है दोस्तों। पार्क के अंदर में अगर आपको पानी प्यास लगे तो यहाँ पर आके एक बार ज़रूर पानी पिए, बहुत ही स्वादिष्ट पानी है। दोस्तों यहाँ पर मैंने भी पिया है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे हिरण आती और आदिवासी महिला का चित्र बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया जगह है, यहाँ ही बगल में कैंटीन भी है पार्क के अंदर में, ये देख सकते हो कैंटीन ऊपर में लिखा है। अभी कैंटीन के अंदर जाके देखते हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हो इन सीढ़ियों के सहारे ऊपर की ओर कैंटीन तक जा सकते हैं, यहाँ पर आप चाय नाश्ता पानी आदि कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत पार्क के अंदर में कैंटीन, ये देखिए बहुत बड़ा कैंटीन है, मज़ा आ गया ना। और यहाँ से पार्क का नज़ारा कुछ इस प्रकार सा दिखता है, बहुत ही ब्यूटीफुल। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब, बढ़िया होंगे। माई ब्लॉग चैनल SVN07 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को लामनी पार्क घुमाने आया हूँ। दोस्तों ये देख सकते हो यहाँ पर प्रति व्यक्ति 20 रुपये टिकट है और अलग से बाइक का भी 10 रुपये चार्ज है। आप लोग देख सकते हो यहाँ बहुत ही खूब सुंदर जगह है दोस्तों, यहाँ आप लोग आइए और घूमिए, देख सकते हो कितना हरा भरा है, मज़ा ही मज़ा है यार। दोस्तों यहाँ पर एक बार आप लोग ज़रूर आइए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल सकता है लामनी पार्क में। तो दोस्तों आइए घूमते हैं लामनी पार्क और दिखाते हैं और हम भी घूमते हैं। दोस्तों मैं भी पहली बार आया हूँ यार, बहुत ही खूबसूरत है, तो देखते हैं आइए चले। ये नव विवाहित वर वधु हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हो बस्तर में आदिवासियों का इसी प्रकार से शादी विवाह किया जाता है। दोस्तों आइए ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा हिरण बनाया गया है, आप लोग देख सकते हो तीर है धनुष है, इसमें शिकार करने की कला को प्रदर्शित किया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। अपने बस में इसी प्रकार से लोग रहते हैं गाँव में और वन में जाकर शिकार करते हैं। दोस्तों ये देख सकते हो यहाँ पर आका जवाला को प्रदर्शित किया गया है, जो अपना आदिवासी भाई जो खड़े हैं धोती पहन के पत्थर फेंकने का दिखाया गया है, जो कि अपने आदिवासी लोग इसी टाइप को खड़े होकर पत्थर फेंका करते हैं या किसी भी चीज़ को भगाना हो कुछ करना, इसीलिए देख सकते हो ये लकड़ बग्गा का बहुत ही खूबसूरत चित्र यहाँ पर बनाया गया है। दोस्तों आप लोग देखिए बहुत ब्यूटीफुल है, क्या ब्यूटीफुल जगह है। दोस्तों ऊपर का नज़ारा दिखाता हूँ, सो देखिए बहुत बढ़िया जगह है यार, आप लोग यहाँ आइए और घूमिए। शहर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लामनी पार्क। ये दोस्तों ये देखिए बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए बड़े बड़े
खिलौने लगे हुए हैं, आप लोग बच्चे को भी ला सकते हैं, फैमिली के साथ करो तो और ही अच्छा है। यहाँ पर बच्चे आराम से खेल सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है बच्चियों के लिए। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत कला को यहाँ प्रदर्शित किया है, जो भी भाई बनाए उसके लिए सलाम, थैंक यू। बहुत बढ़िया यार, क्या खूबसूरत दिख रहा है, रात में आने से तो ऐसा लगेगा सही का ही टाइगर है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी बढ़िया सा मैदान बना हुआ है, यहाँ पार्क के और अंदर आने के बाद अगर आप फैमिली वाले से बिलिंग करते हो तो यहाँ पर आके एक बार जरूर बच्चे मन को लाइए, अगर आप फैमिली वाले हो तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो गाइस देखिए क्या खूबसूरत ब्यूटी है यहाँ की, क्या नज़ारा यहाँ के यहाँ पर ऐसे घूमने के लिए मस्त टाइल्स लगा हुआ है दोस्तों, रोड आप लोग देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है। इधर से पूरा चारों ओर घूम सकते हो इस पार्क में, बहुत ही ब्यूटी है यहाँ का, देखने लायक बनता है दोस्तों। अगर आप चैनल भी नए हैं ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी करना यार दोस्तों, मज़ा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ एक बड़ा सा रूम बना गया, अभी तो इसमें लॉक लगा हुआ है, तो इसलिए आप लोगों को हम लोग बाहर से दिखा रहे हैं। अंदर में गमले में विभिन्न प्रकार के पौधे और लगे हुए हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हो जहाँ पर उसमें इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है। सो आप लोग देखिए कितनी खूबसूरत जगह है यार दोस्तों, यहाँ पर अगर ताला खोलता तो कितना मज़ा होता है। देखिए मस्त सजाया गया है। शौचालय का निर्माण किया गया है दोस्तों, यहाँ पर आके दिल गार्डन गार्डन हो गया यार, बहुत ही मजा आ रहा है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पार्क में स्वच्छता बनाए रखें, ये बात जरूरी है दोस्तों, पार्क में स्वच्छता बनाए रखना है, तभी तो अपना ही बस्तर है यार, गंदगी नहीं करना है। जो भी है सामान आप पाउच उच लेते हो ना, सिर्फ डस्टबिन में डाला करो, यहाँ बहुत सारे आपको डस्टबिन मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा पाइन के वृक्ष मिलेंगे, और इंग्लिश में इसका नाम पाइन्स कैरेबिया है दोस्तों। यहाँ पर साल, बांस और ऐसी बहुत से प्रकार के यहाँ पर झाड़ आप लोगों को देखने को मिल सकता है, सबसे ज़्यादा पाइन के वृक्ष हैं यहाँ पर दोस्तों। आप लोग देख सकते हो क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई, इधर तो बड़ा मुँह पाड़ा वाला नज़र आ रहा है यार दोस्तों। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर नीचे उतरने के बाद उधर निकलने होता है सुरंग है, लेकिन मैं अभी नहीं उतर रहा हूँ, बाद में उतरूँगा यार। उधर से देख सकते हैं यार, यहाँ भी निकल सकते हो, यहाँ अंदर में पूरा सुरंग बनाया गया है, ये देखिए दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से नीचे उतर के उधर निकल सकते हैं, दो रास्ते यहाँ पर बीच में एक रास्ता है, वहाँ भी निकल सकते हैं, वहाँ भी निकल सकते हैं दोस्तों। अंदर थोड़ा अंधेरा है, अभी मैं अंदर घुस रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए ये पूरा सुरंग बना हुआ है यार, ये देख सकते हो। ये देखिए यहाँ अंदर घुसने के बाद इस तरह से दिखता है गुफा, इसको एक्चुअली इसको बनाया गया है, ये आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत दोस्तों। अगर यहाँ पर आप लोग आएंगे तो एक बार जरूर यहाँ पर घुस के घूमिए और देखिए, बहुत ही खूबसूरत है ये आप देख सकते हैं। यहाँ से भी बाहर निकला जा सकता है और आगे इधर भी जाना है।
तो देखिए बढ़िया ब्यूटीफुल प्लेस है यार, इस्लामी पार्क करके आप लोग देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से बाहर निकला जा सकता है दोस्तों, इधर ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ से बाहर निकल के आए हुए हैं। वाह दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को मछली भी देखने को मिल सकता है यार, बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे मछलियाँ हैं यहाँ, आप लोग देख सकते हो, बहुत बढ़िया जगह है। हम लोगों को देख के मछलियाँ चुप रही है दोस्तों, यहाँ आप लोग देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है भैया। यहाँ पर यहाँ से नीचे उतरता है, देखिए दोस्तों इधर एडवेंचर पार्क है, आप लोग देख सकते हो, इधर आप लोगों को जिंदा वाला हिरन देखने को मिलेगा, रियल में हिरन देखने को मिलेगा दोस्तों। चलते हैं, मैं भी नहीं देखा यार, बहुत हिरन देखने को तरस रहा हूँ, मज़ा आएगा, तो चलिए वहाँ पर देखते हैं हिरन, जिंदा हिरन देखने के लिए मज़ा आएगा, लेकिन देखने को मिलेगा नहीं पता, लेकिन जाके देखेंगे। बड़े एडवेंचर जगह यार, यहाँ पर हिरन देखने को मिलेगा दोस्तों, कहाँ जहाँ पर देखेगा ना आपको, तो वीडियो में बने रहिए यार, बहुत मजा आएगा, एडवेंचर जगह है यार, पर ऐसा लग रहा है जंगल में। पूरा पार्क का चक्कर काटा यार, लेकिन ये नजर नहीं आया, अरे क्या करेंगे, नहीं मिल पाया इसके लिए, सॉरी भाई लोग, लेकिन अगली बार आएगा ना दिखाएंगे जरूर, टेंशन मत लो। लेकिन मेहनत करके देखे यार, मेहनत बेकार चला गया, तेरा नजर ही नहीं आया। दोस्तों अगर आप लोगों को मच्छर कटवाना है ना, लामनी पार्क में जरूर आइए और मच्छर कटवाइए, बहुत ही मजा और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ होने वाला है। बड़े बड़े मच्छर और बहुत ब्यूटीफुल मच्छर है भाई, मजेदार है। ओ भाई साहब उधर बैठे हैं, तो उनको देखते हैं थोड़ा। दोस्तों ये देखिए लकड़बग्गा, बहुत ही प्यारा सा नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी शिकार को झपटने के लिए हो रहा है दोस्तों, देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये मेरे से भी बड़ा है यार, उससे भी बड़ा है, ये पेटू में तो पूरा ट्रैक्टर पर जाएगा चारा लगता है, लेकिन खत्म नहीं होगा, बहुत ही बढ़िया है, आप लोग देख सकते हो क्या डिजाइन है भाई, भाई लोग बनाए फैंटास्टिक, देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर माता पार्वती और भोलेनाथ जी विराजमान है डायनासोर के नीचे में, ऊपर बड़ा सा डायनासोर बना हुआ है देखिए, लेकिन बड़ा क्यूट जगह है भाई, इतना खूबसूरत है यार, पाइन का वृक्ष देख सकते हो दोस्तों, ये देखिए वृक्ष, इसको हिंदी में पाइन बोला जाता है और इंग्लिश में पाइन्स कैरेबियन बोला जाता है, कैरेबिया पाइन्स कैरेबिया बोला जाता है। पार्किंग स्थल है, बहुत बढ़िया जगह, इधर आके दिखाते हैं ना सामने में कैसे, तो अभी फिलहाल यहाँ पर पार्किंग तो नहीं करते हैं, बाहर में करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया जगह है, यहाँ पर आप कार मोटरसाइकिल जो भी गाड़ी लेके आओगे यहाँ पर पार्किंग कर सकते हो, बढ़िया जगह है। यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं बड़े बड़े, लेकिन दोस्तों यहाँ पर खजरा हुआ है यार, अभी नजर नहीं आ रहा है ना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर पार्किंग स्थल बनाया गया है लामनी पार्क का, ये देखिए यहाँ का ब्यूटी बहुत ही बढ़िया है, यहाँ के पाइन वृक्ष तो लाजवाब है यार। दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे हो तो वीडियो को जरूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना यार, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे रहे दोस्तों, बहुत ही
बढ़िया चैनल है यार, आप लोग देखा नहीं करते, जरूर देखिए, मज़ा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।